हाँ जी गाइस, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, हेलो। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अपने आसपास किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं फैला रहे होंगे और इस धरती को आने वाली जनरेशन के लिए रहने लायक बना रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने कोई एजुकेशनल टॉपिक नहीं लेके आया हूँ, बस एक मेरा मन करा कि भी कुछ डिफ्रेंशिएट करके बताऊँ सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पीपल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, एक कामयाब और एक नाकामयाब इंसान के अंदर क्या डिफरेंस होता है। देखिए, जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो बुक्स रीड करते हैं, वो इडियट बॉक्स के आगे नहीं बैठे रहते हैं, वो अपनी मोबाइल डिवाइसेस को हाथ में नहीं लेके रखते हैं कि भी मैं आज मैंने ना 1.5 घंटा इंस्टाग्राम की रील्स देखकर ख़राब करना है, वो ऐसे नहीं होते हैं। अनसक्सेसफुल पीपल की हैबिट यही होती है, टीवी देखना, मोबाइल देखना, इंस्टाग्राम रील्स देखना, लगे रहना घंटों घंटों स्वाइप अप, बिकॉज इस काइंड ऑफ एडिक्शन। और सक्सेसफुल पीपल के लिए एडिक्शन है बुक्स रीड करना। ज्ञान सर्वोत्तम, शब्द गुरु कहा गया है हमेशा। जो आपका ज्ञान है वही आपको दुनिया से अलग करता है, वही आपके अंदर एक स्पार्क क्रिएट करता है जिसकी वजह से आप चेंज ले आते हैं सोसाइटी के अंदर। और वही अनसक्सेसफुल पीपल वो आज तक जैसे टीवी चैनल के आगे बैठे रहेंगे, राम हिंदू मुस्लिम शिट वगैरह के ऊपर ध्यान देते रहेंगे और उनकी सोच ऐसी हो जाती है, उनको कोई डिफरेंशिएट नहीं करना आ रहा है सोसाइटी के अंदर भी, कैसे मैं एक अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ को पहचान सकूं। अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ को पहचानने के लिए आपको बुक्स रीड करनी पड़ेंगी और बुक्स आपका ऐसा दिमाग का लेवल कर देंगी कि आप किसी से बहस करना पसंद नहीं करेंगे, आप मौन की ओर चले जाएंगे और काम करेंगे। हैबिट से एक ऐसी आ जाएंगी आपके अंदर बुक्स रीड कर करके कि भी आप चेंज एम्बैरस करेंगे। यही सेकंड पॉइंट है सक्सेसफुल पीपल के लिए, वो चेंज को एम्बैरस करते हैं, वो चेंज चाहते हैं, चेंज लाएंगे, अपने अंदर लाएंगे, सोसाइटी के अंदर लाएंगे। और जो ये अनसक्सेसफुल पीपल होते हैं ये चेंज से डरते हैं। इन्होंने कोई काम शुरू कर रखा होगा, इनको कोई कॉम्प्लीमेंट दो कि इनको बताओ कि भी आप इस काम को इस तरीके से कर सकते हैं थोड़ा सा तो और बढ़ेगा, तो वो कहेंगे नहीं 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 मैं मेरा तो भाई काम ऐसे चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो सक्सेसफुल पीपल हैं वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वो आपकी हर एक चीज़ जो जिसमें उनको दिख रही है मेहनत कर रहा है ये इंसान, वो उसकी तारीफ़ करेंगे कि भाई और बेहतर कर सकता है तू। और वहीं अनसक्सेसफुल पीपल जो होंगे वो क्रिटिसाइज़ करेंगे आपको, क्या कर रहा है ये, ऐसे क्या पैसा आता है कमाना, ऐसे क्या घर पे पैसा आएगा, ये चीज़ें होती हैं, घर बैठा रहता है, ये है वो है, वो पता नहीं है किस चीज़ की तैयारी कर रहा बंदा घर पे बैठ कर, लड़की किस चीज़ की तैयारी कर रही है, बस लड़के को देखा घर पे बैठा तो मतलब ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग। लड़के का मतलब है तू घर से बाहर जा, मेहनत कर, पैसा कमा के ला, एंड दैट टाइम यू विल गेट अ रिस्पेक्ट। वहीं सेम लड़की घर पे बैठ के पढ़ रही है, उसने आज तक आटे की बोरी सिलेंडर कुछ नहीं उठाया घर पे, रोटी नहीं बनाई, उसकी पढ़ाई पढ़ाई है। सो इक्वालिटी का काम हो जाता है। तो वो क्या है कि भी एक लड़का जो घर पे पढ़ भी रहा है उसे क्रिटिसाइज़ करेंगे और जो एक लड़की पढ़ रही है उसे कॉम्प्लीमेंट करेंगे। दोनों के लिए सेम होना चाहिए, सक्सेसफुल पीपल हमेशा कॉम्प्लीमेंट करते हैं और जो अनसक्सेसफुल पीपल होते हैं वो क्रिटिसाइज़ करेंगे आपको। देखिए, क्रिटिसाइज़ कुछ हद तक ठीक रहता है, हम किसी को क्रिटिसाइज़ करें तो मे बी वो कहीं ना कहीं कोई काम अच्छा करने लग जाए जो घर पे निठल्ला बैठा है बिल्कुल ही, जिसका कोई पर्पज़ नहीं है लाइफ के अंदर। फिर क्रिटिसिज्म थोड़ा बहुत ज़रूरी है, उसको स्कॉल्ड करना पड़ेगा, उसे डांटना पड़ेगा ताकि वो घर से बाहर निकले और काम करे। पर इंसान घर पे बैठा ही अगर कमा रहा है तो उसको क्रिटिसाइज करना गलत है। सक्सेसफुल पीपल के अंदर एक निशानी होती है कि भी वो दूसरों को माफ़ कर देते हैं, और वहीं अनसक्सेसफुल पीपल क्या हैं, वो दूसरे के प्रति हेट क्रिएट करती है, इसने मेरे को ऐसे बोल कैसे दिया, इसकी इतनी हिम्मत कैसे होगी। हम उस ग्रज के ऊपर बैठे रहते हैं, हम उस हेट को लेकर दिल में बैठे रहते हैं, उस बीज को हमने अपने अंदर बो लिया है, वो पेड़ बन गया है, वो उसने इतनी अपनी रूट्स फैला लिया अपने आपके अंदर कि भी आप डिप्रेशन में चले गए किसी और को हेट करते करते, मैंने तो इसका कुछ बिगाड़ना है। लोग ग्रज क्रिएट करके, मतलब अंदर अंदर अपने हेट क्रिएट करके दूसरे के प्रति क्या करते हैं, टोने टोटके तक करते हैं, आपने चौराहों पे देखा होगा, ये हेट की निशानी है, ये अनसक्सेसफुल पीपल हैं।
कभी किसी को इलायची दे दी, किसी का धागा बनवा दिया, कभी किसी का मंत्र पढ़ दिया, फोटो हाथ में उठा के, तो ये लोग अनसक्सेसफुल पीपल है, कुछ कर नहीं पाए, आपकी बराबरी नहीं कर पाए, ये आपकी तरह लोगों को माफ नहीं कर पाए, इसलिए आप आगे बढ़ गए और वो जिसने हेट बीज रखी थी अपने अंदर वो पीछे रह गया। ऐसे ही जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं कि भी मैंने आने वाले समय के अंदर क्या करना है मेरे दोस्तों के साथ मिलकर। आइडियाज़, नए नए इनोवेशंस, नई नई टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसा आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे जिनकी कोई वैल्यू है। और वहीं जो अनसक्सेसफुल पीपल हैं वो क्या करेंगे, लोगों के बारे में बात करेंगे। वही क्रिटिसिज्म आ गया, लोगों के बारे में बात करेंगे आप। अब लोगों के बारे में बात क्या करेंगे, किसी की लड़की के बारे में बोल देंगे, किसी बच्चे ने सोच लिया कि भाई मैंने बाहर विदेश जाकर एक बिजनेस सेटअप करना है, तो लोग क्या है क्रिटिसाइज कर, अरे पहले कमा तो ले फिर क्रिटिसाइज, कमा तो ले फिर बिजनेस करना, अरे किस्मत का कुछ पता नहीं लगता। कहते हैं सोच ऊंची होनी चाहिए, कारोबार अपने आप ऊंचे हो जाते हैं। जब सोच ही आपकी मंदी, छोटी सोच पैर में हमेशा मोच बराबर होती है, आप लंगड़ा लंगड़ा के चलेंगे छोटी सोच के साथ, ऊंची सोच होगी ऊंची उड़ान भरेंगे, इतनी ऊंची भरेंगे कि भी छोटे मोटे पंछी तो आपके आसपास आ भी नहीं पाएंगे। सक्सेसफुल पीपल कॉन्टीन्यूसली लर्न करते हैं नई नई चीजों को, वो डरते नहीं हैं चेंज से, लर्न करेंगे, बच्चे से भी सीखेंगे, बूढ़े से भी सीखेंगे, कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करके सीखेंगे, ये सक्सेसफुल पीपल की निशानी होती है। वो किसी को ये नहीं कहेंगे मेरे को सिखाओ, वो खुद सीखेंगे। और वहीं अनसक्सेसफुल पीपल जो उनसे हैं वो क्या करेंगे, वो कहेंगे मेरे को सब पता है, मेरे को मत बता, मेरे को तेरे आइडियाज़ की जरूरत नहीं, मेरे को तेरे एडवाइस की जरूरत नहीं है, मेरे को सब पता है। कहीं ना कहीं ये चीज़ ईगो में भी आ जाती है कि मेरे को मत बता भाई, मेरे को सब मालूम है, मेरे को पता है मैंने क्या करना है, मुझे टीच मत कर। और ये जो सक्सेसफुल पीपल हैं ये कॉन्टीन्यूसली लर्न करते हैं, किसी से भी सीख लेंगे, ग्रज नहीं रखेंगे किसी तरह का, हेट नहीं रखेंगे किसी तरह की, कॉम्प्लीमेंट करेंगे, अरे मैंने आपसे ये सीखा। सक्सेसफुल पीपल फेलियर को एक्सेप्ट करते हैं, वो किसी को ब्लेम नहीं करते हैं अपने फेलियर के लिए, वो अपने फेलियर से सीखते हैं। और वहीं जो अनसक्सेसफुल पीपल हैं वो दूसरों को ब्लेम करते हैं अपने फेलियर्स के लिए, अगर वो लड़की मेरी ज़िंदगी में ना आती तो आज मैं मुकेश अंबानी बन गया होता, अब क्या कर रहा है, अब ठेके पे बैठे दारू पी रहा है, चकना खा रहा है। वहीं सक्सेसफुल पीपल क्या है, फेलियर को एक्सेप्ट करेगा, पेपर में फेल हो गया कोई बात नहीं, क्यों फेल हुआ ये देखेगा, जड़ तक जाएगा क्यों फेल हुआ मैं, और उसका समाधान निकाल कर आगे बढ़ेगा, उससे सीखेगा अपने फेलियर से और आगे बढ़ेगा। एक पर्सन ने जब तक फेलियर को एक्सेप्ट नहीं किया, एक पर्सन ने जब तक फेलियर को टेस्ट नहीं किया, तब तक वो सक्सेस को क्या जानेगा। आपने मेहनत करी, आप पास हो गए, आपको फेलियर का पता ही नहीं लगा, और लाइफ में एक ऐसा स्टेज आई आपकी लाइफ के अंदर कि भी आप पीक पे पहुंच गए और फेल हो गए, कहीं ऐसे बिजनेस के अंदर पीएचडी करते वक्त फेल हो गए, एलएलएम करते वक्त फेल हो गए, डॉक्टरेट करते वक्त फेल हो गए, किसी भी अदर स्ट्रीम के अंदर, और वो फेल हो गए वहां पर, क्या किया, दूसरों को ब्लेम कर दिया। सक्सेसफुल पीपल ऐसे नहीं करते, ये अनसक्सेसफुल पीपल की निशानी होती कि दूसरों को ब्लेम करते हैं कि भी मेरी जिंदगी में वो इंसान आया था उसकी वजह से काम खराब हो गया मेरा। सक्सेसफुल पीपल थैंकफुल होते हैं हर एक चीज के लिए, जो भी वो चीज कर रहे हैं वो उसमें कहते हैं हे प्रभु आपने मुझे इतनी क्षमता दी कि मैं पढ़ पा रहा हूँ, मुझे आंखें दी मैं देख कर पढ़ पा रहा हूँ, मुझे आपने हाथ पैर दिए हैं मैं काम कर पा रहा हूँ। खैर लोग वो भी हैं जिनके हाथ पैर नहीं और माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर गए, वो लोग भी हैं जो आईएएस बन गए हैं, हाथ पैर नहीं हैं। तो ये जो लोग हैं थैंकफुल होते हैं, और जो अनसक्सेसफुल पीपल होते हैं ये एंटाइटलमेंट लेते हैं, मैं किया है मैंने, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, इंटाइटलमेंट लेते हैं हर एक चीज की ये लोग, मैंने किया है, मैं हूं मैं, मैंने ये कर लिया मैंने वो कर लिया, थैंकफुल नहीं है, होने के बावजूद, इतना कुछ होने के बावजूद भी मर रहे हैं जिंदगी में लोग, इतना कुछ होने के बावजूद भी मर रहे हैं।
ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, थैंकफुल नहीं है ये लोग, गुजारा नहीं होता, गुजारा नहीं होता है। अरे गरीब वो भी हैं जो रोज के 800, 900, 500, 1000 रुपीज़ कमाते हैं, रोटी खाते हैं, मच्छी खाते हैं, अंडा खाते हैं, मुर्गी खाते हैं, वहीं मिडिल क्लास फैमिली खा रही है, बस फर्क क्या है, उसकी झुग्गी झोपड़ी है, तुम्हारा महल है, चार दीवारी हैं, एसी है। तो ये जो लोग हैं अनसक्सेसफुल पीपल हैं, ये एंटाइटलमेंट लेते हैं, ये थैंकफुल नहीं होते हैं, और सक्सेसफुल पीपल हमेशा थैंकफुल होते हैं। सक्सेसफुल पीपल जो हैं ये गोल सेट करते हैं अपना, और अपने लाइफ प्लान्स को डेवलप करते हैं कि मेरा अभी मैंने ये किया है, आगे मैं ये करने वाला हूँ। इनकी एक सोच होती है, गोल होते हैं कि मैंने यहाँ तक पहुँचना है पहले, फिर मैं आगे की सोचूंगा। और वहीं जो अनसक्सेसफुल पीपल होते हैं, इनके कोई गोल्स नहीं होते हैं, किस्मत पे छोड़ते हैं सब कुछ, मेहनत करनी नहीं है, देखा जाएगा जो होगा होगा, क्या ठेंगा मिलेगा जिंदगी में, कोई साथ नहीं देता है। सो गोल्स को सेट करें, आगे बढ़ें, बुक्स को रीड करें, कॉम्प्लीमेंट करें सक्सेसफुल बनने के लिए, थैंकफुल रहें, ये सब चीज़ें करें, दूसरों के बारे में बात ना करके आइडियाज़ के बारे में डिस्कस करें, कॉन्टीन्यूसली लर्न करें, फेलियर्स को एक्सेप्ट करें, तो ही आगे बढ़ पाएंगे। अनसक्सेसफुल पीपल की तरह ना सोचें, छोटी सोच ना रखें, टीवी ना देखें ज़्यादा, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए कोई मूवी देख लें ज़रूर अच्छी बात है, पर ऐसे ही अगर अपनी ज़िंदगी को बिताते रहे तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। आने वाली और इन्फॉर्मेशन के लिए और ऐसे टास्क, ऐसे टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।